हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं है वो कब तक आयोजित होगी, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होगी या फिर नहीं होगी, या फिर 10वीं की परीक्षा रद्द कर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। तो इसी सभी सवालों के डाउट है वो इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखे, क्योंकि आपकी ऐसे ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आप सभी को पता है कि पहले राजस्थान में 3 मई से गाइडलाइन जारी थी कोरोना को लेकर, बट उसे आगे बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी की है, 1 मई से नई गाइडलाइन जारी की है और वो गाइडलाइन 3 मई से शुरू होगी, जिसका नाम है महामारी अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा। तो ये गाइडलाइन लॉकडाउन स्थिति, इसमें सख्ती बरती गई है कोविड को लेकर, और ये गाइडलाइन 17 मई तक लागू रहेगी। और 17 मई तक सभी एजुकेशनल डिपार्टमेंट, RBSC बोर्ड एजुकेशनल डिपार्टमेंट, अभी राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान, शिक्षण संस्थान, कोचिंग कॉलेज, सभी स्कूलें बंद रहेंगी। ऐसे में आपकी बोर्ड परीक्षा को लेकर कब बैठक होगी तो वो भी हम इस वीडियो में बता देते हैं आपको। उस गाइडलाइन के अनुसार पहले जो खबर चल रही थी कि बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर 3 मई के बाद निर्णय लिया जाएगा, बैठक में फैसला लिया जाएगा, बट अब कोरोना ने CM अशोक गहलोत जी को और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को, उनको भी चपेट में ले लिया है। तो अब और नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसके अनुसार सभी शिक्षण संस्थान, RBSC बोर्ड डिपार्टमेंट भी बंद है। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं पर बैठक है वो 17 मई के बाद, बोर्ड परीक्षाओं पर बैठक है वो 15 मई के बाद, यानी बोर्ड परीक्षाओं पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर 15 मई के बाद निर्णय होगा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होगी या फिर नहीं होगी। अब मैं बात करूं, मैं ट्विटर पर ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को टैग कर और CM अशोक गहलोत जी को टैग कर ट्वीट किए जा रहे हैं कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करें। ऐसे में परीक्षाएं करवाना सुनिश्चित नहीं माना जा सकता, कोविड है वो बढ़ रहा है। ऐसे में मैं आपसे बात करूं तो कोरोना का ये एक सबसे भयावह तस्वीर सामने आ रही है कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है। 10वीं की परीक्षाएं और 12वीं की परीक्षाएं करवाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि खुद श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा भी संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में 10वीं और 12वीं वाले विद्यार्थियों की क्या बात है, वो भी एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम सेंटर पर संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई गाइड, शिक्षा विभाग चाहे कितनी भी ऐसी हाई लेवल गाइडलाइन जारी क्यों ना कर दे, बट कहीं ना कहीं तो राजस्थान, पूरे ऑल राजस्थान में कहीं ना कहीं तो विद्यार्थी संक्रमित हो ही जाएंगे, क्योंकि ये दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है। अब मैं बात करूं तो लॉकडाउन अवधि बढ़ गई है, ऐसे में विद्यार्थी असमंजस में, वो कह रहे हैं हम पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि संशय बरकरार हैं। बोर्ड परीक्षाओं पर ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आ रही कि होगी या नहीं होगी। अगर जिस विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा रद्द करवानी है तो एक ही रास्ता है कि आप ट्विटर पर जाकर ट्वीट कीजिए और टैग कीजिए अपने ट्वीट में CM अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ट्वीट कीजिए, टैग कर ट्वीट कीजिए, तभी आपकी सरकार है वो कुछ ना कुछ निर्णय लेगी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा अपनी जान की परवाह करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर जान बचेगी तो ऐसी कई बोर्ड एग्जाम दे देंगे। बात करूं, मैं भी समझता हूं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम जरूरी है करवानी, लेकिन इनकी मार्कशीट है वो भी प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनकी मार्कशीट काम आती है। बट यहाँ पर 10वीं की बात करूँ तो 10वीं की एग्जाम CBSE बोर्ड ने भी रद्द की है, तो ऐसे में RBSE बोर्ड क्यों लेकर बैठा है, RBSE बोर्ड भी रद्द कर देना। अगर एग्जाम करवाई जाएगी तो मई जून में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर जुलाई में एग्जाम होती है, अगस्त और सितंबर तक आपका परिणाम जारी होगा, तो ऐसे में नया सत्र भी लेट शुरू होगा और नेक्स्ट के बोर्ड एग्जाम की तो बात ही छोड़ दो। अब इस बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे तो नेक्स्ट में क्या होगा, अभी तक उस पर लेकर भी संचय है। अब देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अभी तक आप पढ़ाई करते रहिए, जितनी हो सके तो उतनी तो पढ़ाई कीजिए, और कोई भी खबर आएगी मैं आपको देता रहूँगा। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 10वीं की एग्ज़ाम जल्द से जल्द फैसला लिया जाए 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम को लेकर, और 10वीं की एग्ज़ाम रद्द कर दे। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा 10वीं की एग्ज़ाम रद्द करवाने की, क्योंकि इस कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोगों की मौत हो रही है आप सभी देखते ही होंगे रोज़ाना। और भी कुछ अपडेट आएगी हम देते रहेंगे, और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय आ जाएगा, मैं आपको हर खबर देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, राजस्थान बोर्ड के रिगार्डिंग इसी तरह आपकी नई एवं सही सटीक अपडेट आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।